we have already discussed concept of individual difference, definitions, recognitions of individual difference, types of individual difference. I already told you, individual difference means variation or deviations in single characteristics or number of characteristics. In wider aspects, व्यापक अर्थों में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ थोड़ा समझेंगे हम. तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि व्यक्तिगत भिन्नता, भिन्नता अंतर, एक बालक की योग्यता क्षमता दूसरे से भिन्न होती है. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, differences are found in all psychological characteristics, physical, mental ability, मेंटल एबिलिटीज. क्या कहा मैंने? मैंने कहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी मनोवैज्ञानिक विशेषता, शारीरिक, मानसिक योग्यता, हैबिट्स, नॉलेज, स्किल्स, टेम्परामेंट, इतनी सारे व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है मनोवैज्ञानिक विशेषता में, शारीरिक, मानसिक योग्यता, आदत, हैबिट्स, ज्ञान में, कौशल में, टेम्परामेंट, स्वभाव में. एंड कैरेक्टर ट्रेड्स. यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता जो हमारा है, और ये मैंने कहा कि ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक है, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस. डिफरेंस ये पार्ट टू है, पार्ट वन ऑलरेडी स्टडीड. व्यक्तिगत भिन्नता ये इतना इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए और हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड. और आज इतना इंपॉर्टेंट हम बात कहने वाले हैं जिससे सीटेट में इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे और शिक्षण योग्यता में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा, हम बताने जा रहे हैं और रटना नहीं पड़ेगा. बहुत टेक्निक एक बताने वाले जो रटना नहीं पड़ेगा, हम आराम से समझ में आ जाएगी. तो यहां पे मैंने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है कहां का मनोवैज्ञानिक विशेषता में. अभी मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या? बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, शारीरिक, अब समझ रहे हैं, बाहरी रंग रूप के आधार पे, मानसिक योग्यता, हैबिट्स, नॉलेज, स्किल एंड टेम्परामेंट, स्वभाव की बात आ रही है. फिर हमने कहा कैरेक्टर चरित्र, ये हमारा नैतिक से संबंध रखता है, नैतिकता से. अब यहां पे जो सबसे बड़ी बात आने वाली है, ये और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जैसे हमारा एजुकेशनल आ सकता है, शैक्षिक, कल्चरल,
सोशल, तो अब मैंने एक और बात जो बढ़ाया, क्या बढ़ाया, शैक्षिक, सामाजिक और मैंने कहा सांस्कृतिक। इतने सारे विशेषताओं में क्या होता है, डिफरेंट होता है। इच इंडिविजुअल हैज अ यूनिक मींस हरेक बालक अपने आप में मनोवैज्ञानिक रूप से भिन्न होता है, शारीरिक रूप से भिन्न होता है, स्वभाव अलग अलग होते हैं और नैतिकता मूल्य अलग अलग अपने अनुसार फॉलो करते हैं। फिर शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। अब हम बता रहे हैं ये सारे जो मैंने बताया विशेषता, ध्यान से समझिएगा इसको, ये जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब यहां पे देखिए, एक है एक्वायर्ड, अर्जित किया जाता है, यही मैं बता रहा हूं आपको, रटना नहीं पड़ेगा। और एक हमारा इधर है, एक जो है इधर क्या है, इन हेरिटेड, आनुवांशिक, आनुवांशिक। अब ये इस सारे करेक्टरिस्टिक्स में भी हैव टू चूज, हम लोग चूज करना होगा या चूज कर सकते हैं। क्लियर बातें पता चल गई कि एक्वायर्ड में क्या होगा, जो व्यक्तिगत भिन्नता प्राप्त किया जाता है, और एक हमने बात हम करेंगे इधर आनुवांशिक रूप से, इसको हम हटा ले, है ना, इसको आनुवांशिक रूप से क्या होगा। अब यहां पे देखने वाली बात है क्या है, फिजिकल, ध्यान दीजिएगा यहां पर, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, ये हमारा आनुवांशिक है। और अगर हम बात करें टेम्परामेंटल, स्वभाव की बात है, प्रकृति की बात है, तो कहने का मतलब देखिए, रटना नहीं पड़ेगा हमको, जितने सारे विशेषता मैंने बतलाया वो आनुवांशिक, ये हो गए शारीरिक, मानसिक और स्वभाव। ये कहने का मतलब क्या है मेरा, कि व्यक्तिगत भिन्नता जो आनुवांशिक हो गई, मतलब एक पूर्वज से दूसरे पूर्वज में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, अनसिस्टर पूर्वजों का गुण और विशेषता हमारे में समाहित होता है, आ जाता है। कहने का मतलब क्रोमोसोम, अगर हम जीव विज्ञान की भाषा में बात करें तो क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये सारी बातें शारीरिक रूप से, जैसे हाइट, वेट, ये सारी चीजें, कुछ स्ट्रक्चर जो बनावट की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, बनावट, ये हमारा अनुवांशिक होता है। कुछ डिफरेंसेस होती है, लेकिन जो मानव है तो मानव जैसा ही बच्चा या प्राणी आता है। तो यहां पर मैंने मानसिक रूप से स्वभाव। अब हम थोड़ी सी बात करें कि अनुवांशिकता के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, अर्जित किया जाता है। तो अर्जित क्या किया, देख लीजिए, एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल, ये सारा क्या आ जाएगा, अर्जित किया जाता है। सामाजिक, रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा कल्चरल, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। फिर मैंने कहा एजुकेशनल, शैक्षिक, शैक्षिक, और वन मोर, इमोशनल, सांवेगिक। अब यहां पे हमने आपको बता दिया कि व्यक्तिगत भिन्नता जो हमारा है क्या है, विभिन्न सारे विशेषताओं में, गुण में, मानसिक शील गुण में अंतर होता है। एक तो हमारा आनुवांशिक रूप से, और एक अर्जित किया जाता है व्यक्तिगत भिन्नता इन्वायरमेंट के द्वारा। क्या कह सकते हैं इसमें, इन्वायरमेंट। तो अब ये इन्वायरमेंट और ये हमारा हेरिडिटी जो हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम देख रहे हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से अलग अलग, ध्यान दीजिएगा। और अगर ध्यान देंगे आप तो मैं कह रहा हूं कि रटना नहीं पड़ेगा, जैसा कि NCF 2005 में कहा गया है, टू शिफ्ट जॉयफुल लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। देखिएगा इससे हम आगे क्या आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा अनुवांशिक है और ये वातावरण है। तो हमने देखा, सारांश रूप से हमने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता
अनुवांशिक रूप से अलग अलग है और वातावरण के आधार पे भी अलग अलग है। तो कहने का मतलब यहीं से स्टार्ट होता है कॉजेज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। अब हमको कारण अलग से रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा दो पॉइंट सामने है। तो पहला क्या हो गया, हेरिडिटी, दूसरा क्या हुआ, इन्वायरमेंट। तब ये हमको बताने की जरूरत और ना आपको याद करने की जरूरत है कि अनुवंशिकता में क्या बात होगा, ऑलरेडी डिस्कस है। इन्वायरमेंट जो अर्जित किया जाता है इसमें ऑलरेडी डिस्कस है। तो ये हम लोग देखें कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये कॉजेज में हमने देखा हेरिडिटी, अनुवांशिक, हमने देखा इन्वायरमेंट, वातावरण, और ये हमारा क्या है, अनुवांशिक, कि व्यक्तिगत भिन्नता का एक पहला कारण है, ये दूसरा कारण है, और ये दोनों मुख्य कारण है ना। अब आगे देखें हम नेक्स्ट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी परिपक्वता, परिपक्वता का संबंध एज से है, आयु से है। यहां पे कहा गया परिपक्वता का स्तर, मैच्यूरेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता है हमारा अनुभव, एक्सपीरियंसेस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो जैसे ही बढ़ा और जिसका एज कम है, मैच्यूरेशन लेवल कम है, तो निश्चित है उसका अनुभव कम होगा, तो निश्चित है कि यहां पे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे हमारे अभिभावक पेरेंट्स, उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंसेस होता है बिकॉज एज भी ज्यादा है, तो निश्चित है कि मैंने कहा कि इसका संबंध एज से है। हाँ, कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि कम आयु में भी ज्यादा अनुभव हो जाता है, तो रेयर केस में, क्योंकि वो समस्याओं को ज्यादा समाधान करता है। लेकिन साधारण रूप से हम यही कह सकते हैं कि परिपक्वता का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है हमारा अनुभव भी बढ़ता है। तो चलिए यहां पे भी अंतर बात आएगी। अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट बात करें इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस बुद्धि। अब ये बुद्धि में जो हमने संबंध है आईक्यू से, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। अब यहां पे बात है कि व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बुद्धि लब्धि से भी होता है। हर एक बालक का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। आईक्यू लेवल यहां पे कहने का मतलब कि इंटेलिजेंस है क्या। तो जनरल साइकोलॉजिस्ट कहा कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, देख लीजिए थोड़ा सा, एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता। फिर कहा अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग, अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, एबिलिटी टू, लिख देते हैं हम यहां पे, एबिलिटी टू अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, तो टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। सबसे बड़ी बात यही याद रखने का है, टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, क्या है, वातावरण के साथ, वातावरण के साथ प्रभावी क्षमा योजन क्या कहलाता है, इंटेलिजेंस कहलाता है। तो अब कोई ज्यादा सीख रहा है, कम सीख रहा है, अंतर आएगा। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता किसी में कम है, किसी में ज्यादा, अंतर आएगा। और एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, नई परिस्थितियों, वातावरण के साथ अगर वो बालक
अगर वो व्यक्ति, अगर वो मनुष्य समायोजन नहीं कर पाता है तो समस्या आती है। तो यहां पे भी भिन्नता देखने को मिलती है। अब अगर हम आगे बात करें इसमें तो पर्सनालिटी भी आएगा, व्यक्तित्व। अब यहां पे व्यक्तित्व क्या है कि मैंने कहा कि ये विभिन्न शील गुणों का मिश्रण है। तो मैंने कहा कि व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ी बात है, ये अल्पोट साहब ने कहा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सवाल पूछता है टेट में, बहुत सवाल पूछता है, ईपी टेट, एमपी, राजस्थान, ये बहुत जगह पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये अल्पोट साहब ने क्या कहा डिफिनेशन में कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का मनोशारीरिक गुण, साइको फिजिकल सिस्टम, मनोशारीरिक, ध्यान दीजिएगा यहां पे, मनोशारीरिक गुणों, मनोशारीरिक गुणों का क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, गत्यात्मक संगठन, गत्यात्मक संगठन। यही टेट में पूछता ही है कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का, ये किसने कहा, तो अल्पोट ने कहा, और गत्यात्मक संगठन भी अगर ये शब्द आता है तो अल्पोट आएगा। अभी गत्यात्मक संगठन कहने का मतलब क्या समझिए, मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक, गत्यात्मक मतलब गतिशील, गतिशील, समझ में आ गया। अब मनोशारीरिक जैसे समयनिष्ठ, परोपकारिता और ये सहयोग, ये हरेक प्रत्येक व्यक्ति के में होता है, परंतु यही समयनिष्ठ और ईमानदारी पहले होता है, लेकिन जब हमें जॉब लगता है, सर्विस लगता है, तो किसी कारण से वो बालक में, व्यक्ति में, मनुष्य में वो क्या होता है, समयनिष्ठता का गुण सब रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद समय से जाना छोड़ता है, फिर ईमानदारी भी धीरे धीरे क्या होता है, चली जाती है। ऐसा नहीं कि सब में चली जाती है, लेकिन औसत ऐसा देखा गया कि पहले जो हमारा गुण होता है वो गत्यात्मक है, आते जाते रहता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है टेट के लिए, मैंने बताया आपको, पर्सनालिटी भिन्न होता है। अब थोड़ी सी हम बात करें, अगर हम देखें SES, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है कि अगर कोई बालक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके पास, तो वो पढ़ नहीं पाता है, या बुद्धि या कहीं पे कुछ ज्यादा अर्जित नहीं कर पाता है, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं रह गई है, लेकिन अभी भी देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत भिन्नता का क्या कारण है, तो हम वहां पर देखें, ध्यान दीजिएगा, कास्ट एंड रेस, ये जाति, ध्यान दीजिएगा, और ये है प्रजाति। तो पहले ऐसा था प्राचीन समय में कि ये जाति पे निर्भर करता था कि व्यक्ति की भिन्नता या बुद्धि अलग अलग होती थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। वर्तमान समय में जाति और प्रजाति का कोई असर नहीं है कि व्यक्ति की भिन्नता या बुद्धि ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर यह थोड़ा सा याद रखिएगा, जो सवाल पूछेगा, जाति क्या है, यह सामाजिक संरचना है, क्या है, सामाजिक संरचना है, और यह हमारा शारीरिक संरचना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कौन कौन से हैं, क्या देखा मैंने, कारण कौन कौन से हैं, कारण देख लिया मैंने। अब आगे देखें तो अब हम लोग देखें, अभी हमने देखा कि कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कौन कौन से, तो अब जो मेन पॉइंट हम बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा मैंने कहा कि सीटेट और ये पूछा जाएगा, तो यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, कंसंट्रेट कीजिएगा, आप कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के बाद विद्यालय में क्या करेंगे, व्हाट आर द प्रोविजंस। देखिए ध्यान से, हम बताने जा रहे हैं प्रोविजन, ध्यान दीजिए, फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंस
इंडिविजुअल डिफरेंस शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं. इन द स्कूल, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय में व्यक्तिगत भिन्नता को व्यवस्थित करना, इस सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहां पे बात है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे प्रोविजन करेंगे, कैसे उसको व्यवस्थित करेंगे, मैनेज करेंगे. तो सबसे बड़ा यहां पे बात आती है कि नॉलेज अबाउट इंडिविजुअल्स एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज. सबसे पहली बात शिक्षक के लिए, टीचर के लिए यहां पे आती है बात शिक्षक के लिए कि वहां पे क्या होना चाहिए, उसको ज्ञान होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट इंडिविजुअल एबिलिटी. हर एक बालक की, बालक के योग्यता का ज्ञान होना आवश्यक है. अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो आप अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली कभी नहीं बना पाएंगे. इसलिए नॉलेज हमारा होना जरूरी है. नेक्स्ट है एबिलिटी ग्रुपिंग. ध्यान दीजिएगा इसको, ये एबिलिटी ग्रुपिंग योग्यता समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए. देखिए फिर कहा गया कि व्यक्तिगत भिन्नता में ये योग्यता समूह एबिलिटी ग्रुपिंग, मतलब छात्रों की समान योग्यता, आयु, क्षमता को एक साथ और विभिन्न प्रकार के आयु, योग्यता और क्षमता वाले को अलग अलग. तो एबिलिटी ग्रुपिंग यहां पे बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा इसको. एबिलिटी ग्रुपिंग इज अ टू टाइप्स. पहला विद इन द क्लासरूम, विद इन द क्लासरूम, ध्यान दीजिएगा यहां पे. और एक है बिटवीन, बिटवीन द क्लास. अब यहां पे इसका कंसेप्ट क्या है, और यही एबिलिटी ग्रुपिंग जो सीटेट में हम बात कर रहे हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे एक शब्द आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभिन्न प्रकार के निर्देशन. देखिएगा ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगे. एबिलिटी ग्रुपिंग में क्या करें अभी समझिए. विद इन द क्लासरूम में क्या करना है, हमने क्या कहा कि समान आयु योग्यता, देखिए समान आयु योग्यता क्षमता वाले बालक, वाले बालक को एक साथ रखना है. यही आपका इसका कंसेप्ट है कि विद इन द क्लासरूम में बात हमने कहा कि बालक एक ही आयु के होंगे, सबकी योग्यता क्षमता एक होगा. ये थोड़ा है डिफिकल्ट, कठिन तो है, ठीक है ना. और इसी को कहा गया होमोजीनियस, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आज. होमोजीनियस ग्रुप, होमोजीनियस मतलब समान. क्या है समान? बराबर, आयु भी बराबर, योग्यता भी बराबर, क्षमता भी बराबर. तो विद इन द क्लासरूम हुआ, लेकिन ये बिटवीन, ये होमोजेनियस है, ये हेटरोजेनियस हो गया. हेटरोजेनियस ये ज्यादा प्रभावी है. क्यों? क्योंकि यहां पे बात कर रहा है कि मुश्किल है एक आयु के, एक योग्यता और एक क्षमता के बालक को इस तरह से ग्रुपिंग करना, ट्रैकिंग करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है और सही भी नहीं है. एक योग्यता वाला जो गॉड गिफ्टेड है, क्रिएटर, उसको अलग रख के पढ़ाए, और जो स्लो लर्नर है, एवरेज है, उसको अलग रख के पढ़ाए, दैट इज नॉट गुड. ये सही नहीं है, इससे इंप्लिटी कॉम्प्लेक्स फैलाएगा. तो हम लोग हेटरोजीनियस, मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आयु, योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य
क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, जिसको एक साथ विभिन्न प्रकार के आयु, विभिन्न प्रकार की योग्यता, विभिन्न प्रकार के क्षमता वाले बालक को यहां पे क्या किया जाएगा, शिक्षण किया जाएगा, टीचिंग किया जाएगा। ये हेट्रोजीनियस हुआ और ये हमारा होमोजीनियस हुआ। ठीक है, अभी हमने कहा एबिलिटी ग्रुपिंग इज ए टू टाइप्स, विद इन द क्लासरूम, बिटवीन द क्लासरूम। अब हम लोग आगे देखते हैं एडजस्टिंग दो, क्या क्या एडजस्ट करना है। सबसे पहले टीचिंग मेथड्स, उसके बाद इंस्ट्रक्शन, निर्देशन, और ये है शिक्षण विधि। यहां पे कह रहा है कि एडजस्ट करना है हमको कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षण विधि, जैसे आगमन विधि और निगमन विधि। तो जैसा, वैसे तो चाइल्ड सेंटर अप्रोच हमारा इंडक्टिव मेथड है, तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग इंडक्टिव मेथड का करें, है ना। तो एडजस्टिंग टीचिंग मेथड और इंस्ट्रक्शन। आगे की अगर बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एडॉप्टिंग अ स्पेशल प्रोग्राम, फॉर पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। यहां पे बात क्या आ रही है कि विशिष्ट प्रकार के प्रोग्राम, अब यहां पे विशिष्ट कार्यक्रम क्या है, व्यक्तिगत, ध्यान दीजिए यहां पे, व्यक्तिगत निर्देशन प्रणाली की बात हो रहा है। कहने का मतलब कि हरेक बालक की योग्यता और क्षमता का ध्यान रखा जाए, वो कहा जाता है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसी में एक सवाल पूछता है, ये आपको एमएड एंट्रेंस में बहुत फायदा होगा और बीएड में तो है ही, और हमने कहा सीटेट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए, ये क्या पूछेगा भाई। तो हमने कहा कि विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाए जिसमें वो बालक अपनी गति से सेल्फ पेसिंग के आधार पे वो सीख सके। तो उससे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, पीएसआई, पर्सनल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कहा जाता है डेवलप्ड बाय केलर, बहुत पूछता है, इसलिए इसको कहा जाता है केलर प्लान। किसको, पीएसआई। तो फुल फॉर्म लिख ही देते हैं आपको, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसके द्वारा दिया गया, केलर के द्वारा दिया गया, इसलिए पीएसआई को केलर प्लान कहा जाता है। यह बहुत पूछा जाता है, ध्यान से इसको आपको समझना है। अब ये कहा गया कि विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम चलाया जाए, कि यहां पे एक और शब्द जो है सीटेट में पूछा जाता है, वो है इगेलिटेरियन। ये शब्द का तात्पर्य क्या होता है, यहां पे कहने का मतलब है कि जो सिद्धांत है, जो नियम है, सबके लिए समान होगा, इक्वल होगा। फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड इक्वल राइट, क्या कहा मैंने, फॉलोइंग, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल्स एवरीवन शुड क्या, इक्वल राइट्स। कहने का मतलब ये शब्द बहुत सीटे पे पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब इगेलिटेरियन, हिंदी ध्यान में दीजिए, इगेलिटेरियन का मतलब मैंने कहा वैसे नियम और सिद्धांत जो सबके लिए समान है, इक्वल राइट्स हो। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता में
सबकी योग्यता और क्षमता को हमें ध्यान में रखना है। और शुरू में ही हमने कहा था कि व्यक्तिगत भिन्नता को अगर ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है तो वही कंसेप्ट हमारा क्या है, इंक्लूसिव, समावेशी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। आज जो हमने क्लास किया है, बताया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल डिफरेंस का हमने कॉजेस को देखा, उसके बाद अभी हमने देखा कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ स्कूल। धन्यवाद।